बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपके साथ मोहम्मद मुदस्सी। तो आज मैं हाजिर हुआ हूं जियाउद्दीन यूनिवर्सिटी, जो कि कराची के अंदर मौजूद है, जो कि एक प्राइवेट सेक्टर की यूनिवर्सिटी है, जिसके अंदर मल्टीपल बीएस प्रोग्राम, एमफिल प्रोग्राम और पीएचडी प्रोग्राम के एडमिशन का आगाज हो चुका है। अब कौन कौन से प्रोग्राम हैं, कौन कौन से स्टूडेंट्स अप्लाई कर सकते हैं, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है और कौन कौन से स्टूडेंट्स और किस किस प्रोग्राम के लिए अहल हैं, ये तमाम बातें इंशाल्लाह इस वीडियो में डिस्कस कर दी जाएंगी। तो मजीद आगे बढ़ने से पहले मैं अपने तमाम व्यूअर्स से रिक्वेस्ट करूंगा, प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, ताकि आपको आने वाली हर किस्म की लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन विद द बेस्ट ऑफ टाइम मिलती रहे। अब बात यह है कि आपके बेनिफिट के लिए हमने होम अप्लाई की भी सर्विस शुरू की है। आप पाकिस्तान या इंटरनेशनल लेवल किसी भी स्कॉलरशिप के लिए, किसी भी जॉब के लिए, किसी भी जगह एडमिशन के लिए भी अप्लाई करना चाहते हैं तो आप घर बैठे एक कॉल और एक मैसेज पर अप्लाई करवा सकते हैं। हम आपका ऑनलाइन अप्लाई भी करेंगे, आपका बैंक का चलान भी पे करेंगे, आपके डॉक्यूमेंट डिसेस भी करेंगे, आपके डॉक्यूमेंट्स प्रिंट भी करेंगे, टेस्ट भी करेंगे और तमाम सर्विसेज जो है वो प्रॉपर तरीके से आपको प्रोवाइड करेंगे। तो इसके लिए आपको किसी बैंक, किसी इदारे, किसी शॉप या किसी और जगह जाने की कोई जरूरत नहीं है। सिंपली घर बैठे आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पर कॉन्टैक्ट करें, 03012027670। इस नंबर पर कॉन्टैक्ट करके तमाम इन्फॉर्मेशन को हासिल करके विद मिनिमम कॉस्ट के साथ आप अप्लाई करवा सकते हैं। अब बात यह है कि यहाँ पे मैं अगर थोड़ा सा एलैबोरेट करता चलूँ तो यहाँ पे मल्टीपल प्रोग्राम्स अवेलेबल है, जिनके सामने डेड लाइन भी अवेलेबल है, आप यहाँ पे देख सकते हैं। और जो मोस्ट डिमांडिंग प्रोग्राम है, जिसको डी फार्मेसी कहा जाता है, जो LLB कहा जाता है, जो डी फार्मेसी DPT कहा जाता है, उसकी अगर मैं बात करता चलूँ तो यहाँ पे मैं दिखा देता हूँ। डी फार्मेसी की जो लास्ट डेट है वो 2 अक्टूबर है। इसके साथ डी फार्मेसी की मैं बात करूँ, DPT की मैं बात करूँ तो DPT की मैं बताता चलूँ 9 अक्टूबर है। हर प्रोग्राम की अलग अलग डेट ऑफ अप्लाई है, तो हर प्रोग्राम का अलग अलग डेट ऑफ मेंशन है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। 22 सितंबर तक भी अवेलेबल है और कई की तो यहाँ पे बैचलर ऑफ साइंस इन क्लिनिकल साइकोलॉजी के क्लोज भी हो चुके हैं। यहाँ पे हर प्रोग्राम की डिफरेंट डिफरेंट डेट्स मेंशन है, तो जिस भी कैंडिडेट ने अप्लाई करना है सो इस डेट के अकॉर्डिंग आप देख सकते हैं जिस जिस प्रोग्राम के अंदर अब एडमिशन अवेलेबल है। अब जरा हम लोग थोड़ा सा LLB को भी डिस्कस करते चलें, क्योंकि LLB को भी थोड़ा सा ट्रेंडिंग कहा जाता है। हम लोग LLB के लिए देखें तो अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम के लिए, LLB के लिए जो लास्ट डेट ऑफ अप्लाई है वो भी अभी अवेलेबल है, तो आप अप्लाई कर सकते हैं इसके लिए भी। यहाँ पे मैं थोड़ा सा दिखा देता हूँ, LLB को थोड़ा सा मूवआउट करें हम लोग, यहाँ पे LLB देख सकते हैं कि LLB के लिए लास्ट डेट क्या है, तो वो भी हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। क्योंकि सबसे जो डिमांडिंग प्रोग्राम आता है वो यही आते हैं। यहाँ पे BEd के भी देख सकते हैं आप, साइकोलॉजी BEd 2.5 ईयर, बैचलर ऑफ बिजनेस के ईच एंड एवरीथिंग, बैचलर ऑफ लॉ, इसकी अभी लास्ट डेट यहाँ पे अवेलेबल नहीं उन लोगों ने मैंशन किया, लेकिन आप यहाँ पे देख सकते हैं अप्लाई ना होकर, और यहाँ पे डिफरेंट प्रोग्राम की डेट मैंशन है। तो अब हम लोग डिस्कस करते हैं इसके अप्लाई प्रोसेस के वाले से। अगर कोई स्टूडेंट फीस स्ट्रक्चर को थोड़ा सा एलैबोरेट करना चाहे तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, फीस स्ट्रक्चर को भी देख सकते हैं। यहाँ पे इंटरनेशनल प्रोग्राम्स हैं और यहाँ पे हाउ टू अप्लाई के, यहाँ पे FAQs, और किसी ने यूनिवर्सिटी को कॉन्टेक्ट करना तो ये भी कर सकते हैं। यहाँ पे अब हाउ टू अप्लाई के ऑप्शन पे क्लिकआउट करता हूँ, जैसे हाउ टू अप्लाई के ऑप्शन पे क्लिकआउट करते तो हमारे सामने एडवर्टाइजमेंट आ जाती है। अब एग्जाम्पल टू से दैट आई एम इंटरेस्टेड इन डी फार्मेसी, यहाँ पे मैं डी फार्मेसी को थोड़ा सा सिलेक्ट आउट करता हूँ क्योंकि इनका टेस्ट भी कंडक्ट किया जाएगा। यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ कि डी फार्मेसी को थोड़ा सा मैं देखूँ, उसको थोड़ा सा मैं एलैबोरेट करता हूँ और उसका अप्लाई प्रोसीजर आपसे डिस्कस कर लेता हूँ। यहाँ पे कोई भी प्रोग्राम हो, सबका एक ही जैसा ही प्रोसेस होता है। यहाँ पे मैं थोड़ा सा सर्च आउट कर लेता हूँ, अगर कोई प्रोग्राम ना मिल रहा हो तो यहाँ पे आप सर्च कर सकते हैं। यहाँ पे तो डॉक्टर ऑफ फार्मेसी, यहाँ पे मैं क्लिक आउट करता हूँ, जैसे क्लिक आउट करता हूँ यहाँ पे प्रोग्राम आ जाता है। यहाँ पे प्रोसीड पे क्लिक आउट करें, जैसे प्रोसीड पे क्लिक आउट करेंगे तो यहाँ सबसे पहले आपके सामने पोर्टल ओपन हो जाता है। पोर्टल के ऊपर आपने सबसे पहले अपनी इंफॉर्मेशन को ऐड अप करना है। इंफॉर्मेशन के अंदर आप बहुत सारी चीजें अवेलेबल हैं, यहाँ पे मैं बताता चलूँ। यहाँ पे सबसे पहले मैं अपना नेम मेंशन करूंगा, ठीक है, मोहम्मद मुदस्सिर मेरा नेम है। और उसके बाद यहाँ पे मैं अपना CNIC मोबाइल नंबर लगाऊंगा, एग्जाम्पल से अपना मोबाइल नंबर लगा देता हूँ 2570। आफ्टर दैट मैं मेल फीमेल आपने चूज करना, अपनी डेट ऑफ बर्थ चूज करनी, एग्जाम्पल से दैट मैं डेट ऑफ बर्थ 2001 कर देता हूँ, ये डेट ऑफ बर्थ आ जाती है। नाम पे नेशनल आई डी कार्ड नंबर 3110148814 कर देता हूँ। यहाँ पे पासवर्ड देखें कि एग्जाम्पल से दैट पासवर्ड जो भी है, आप यहाँ पे पासवर्ड एक लगा दें, कोई भी एक पासवर्ड लगा दें, बाद में भूल ना पाए आपको, इतना आसान भी नहीं रखना कि हर कोई लॉगिन कर ले। यहाँ पे मेरे साथ मैंने सारा कुछ अवेलेबल है, मैं क्रिएट अकाउंट पे क्लिक आउट करता हूँ, देखते हैं कि वो कहते हैं ईमेल ऑलरेडी रजिस्टर्ड है, ये मेरा अकाउंट ऑलरेडी रजिस्टर्ड है। तो अब मैं क्या करता हूँ, इस चीज़ को आगे लेके चलता हूँ, आगे लेने के बाद फिर मैं देख लेता हूँ थोड़ा सा, यहाँ पे थोड़ा सा बैकग्राउंड पे आता हूँ। बैकग्राउंड आने के बाद मैं क्या करता हूँ, प्रोसीड पे या लॉग इन करने की कोशिश करते हैं कि यहाँ पे हम लोग लॉग इन हो जाए। आप लोग क्या करेंगे कि यहाँ पे क्लिक आउट करने के बाद यहाँ पे अकाउंट क्रिएट करेंगे, अकाउंट क्रिएट करने के बाद ऑलरेडी स्टूडेंट और एम्प्लॉई ऑफ, यहाँ पे आप क्लिक आउट करेंगे तो यहाँ पे प्रोसीड पे क्लिक आउट करेंगे तो आपका अकाउंट जो है वो क्रिएट होना शुरू हो जाएगा। जैसे आप अकाउंट क्रिएट करेंगे आपको एक वेरिफिकेशन ईमेल आपके मोबाइल नंबर पर चली जाएगी,
एक आपको मैसेज मोबाइल नंबर पे चला जाएगा, यहाँ पे आप उसको देख सकते हैं। यहाँ पे मैं थोड़ा सा इसको लॉग इन करने की कोशिश करता हूँ, क्योंकि मेरा पोर्टल जो है वो ऑलरेडी क्रिएटेड है, तो यहाँ पे मैं लॉग इन करता हूँ। यहाँ पे आप देखिए, मैं लॉग इन करने की कोशिश करता हूँ तो मेरे सामने जो है उनका ऑफिशियल पोर्टल ओपन हो जाता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मैंने प्रोग्राम सेलेक्ट आउट किए हुए हैं, यहाँ पे मेरे ऑलरेडी ईमेल एड्रेस ईच एंड एवरीथिंग सब कुछ ऑलरेडी कंप्लीटेड है। तो आपने क्या करना है उसके अकॉर्डिंग देखना। अब मेरा ये फॉर्म मैंने वैसे ही अप्लाई किया हुआ है, सबसे पहले कंप्लीटेड करना है, आपने बायोग्राफिक इन्फॉर्मेशन देनी है, उसके प्रोग्राम सिलेक्शन देनी है। अब जिस जिस प्रोग्राम के अंदर आप अप्लाई करना चाहते हैं आप वो भी कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे आप जो पेमेंट है आप अपने क्रेडिट कार्ड के थ्रू या न्यू फॉर्म पे आप क्लिक आउट करके न्यू फॉर्म आपको यहाँ से मिल सकता है। पेमेंट भी अपने क्रेडिट कार्ड के थ्रू कर सकते हैं, बाय क्विक पे भी कर सकते हैं, ऑनलाइन पेमेंट आप कर सकते हैं, यहाँ पर सारा प्रोसीजर अवेलेबल है। तो आपको एक अप्लाई की जो फीस है वो 5,000 रुपये है। जिस भी प्रोग्राम के अंदर आप इंटरेस्टेड हो आप हमसे कॉन्टैक्ट करें, इंशाल्लाह हम आपका अप्लाई भी करेंगे, बैंक का चालान भी पे करेंगे। इसके अंदर तीन डिफरेंट स्टेप्स हैं अप्लाई के हवाले से, थोड़ा सा मैं एलेबोरेट अगेन करता चाहूँ। यहाँ पे बायोग्राफिक इन्फॉर्मेशन है, प्रोग्राम सिलेक्शन, एजुकेशन इन्फॉर्मेशन, फाइनल रिव्यू करने के बाद आप सबमिट आउट कर दें। आई होप कि आपका जो है वो टेस्ट की डेट भी आपको मेंशन कर दी जाएगी, यहाँ पे आपका जो है वो एडमिट कार्ड भी ऑफर कर दिया जाएगा, आपको तमाम डिटेल भी बता दी जाएंगी, सारा कुछ बता दिया जाएगा। तो ये एक प्रॉपर प्रोसीजर था अप्लाई करने का जो मैंने आपके सामने शेयर आउट कर दिया। मजीद इन्फॉर्मेशन के लिए प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नीचे दिए गए कॉन्टैक्ट नंबर पर कॉन्टैक्ट करें ताकि आपको डिटेल प्रोवाइड कर दी जाए। जजाकला।